अगर आप भी दुल्हन जैसा निखार अपने ना सिर्फ चेहरे पर चाहती हैं बल्कि पूरे शरीर पर चाहती हैं तो आज का वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं करवा चौथ स्पेशल, कीप वॉचिंग। हेलो गाइस, कि ये चल रहा है फेस्टिव सीजन और इसमें त्योहारों की धूम मची हुई है और हम सब अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बाई करने में लगे हुए हैं। गरबा है, दशहरा है, डांडिया है और इसके अलावा नवरात्रि चल रही है और साथ ही साथ हम सारी लेडीज़ का सबसे फेवरेट आ रहा है करवा चौथ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ख़ास ट्रीटमेंट जिसको आपको आज से ही शुरू कर देना है और यकीन मानिए आप करवा चौथ तक इतनी ज़्यादा निखर जाएंगी कि महंगे महंगे ट्रीटमेंट आप जो सोच रही थी, जो पैसा खर्च करना सोच रही थी, वो पैसा भी बचने वाला है। साथ ही साथ आपको मिलेगी बेदाग और निखरी स्किन जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाओगी, ठीक है। तो बिना पैसा खर्च किए आपको ऐसा ट्रीटमेंट मैं लेकर आई हूं जो कि करवा चौथ स्पेशल है, ग्लो स्पेशल है। आई होप कि मेरी फैमिली को ये फेस्टिव स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा आज पसंद आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं ना तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के होम रेमेडीज मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं अपना ये ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और देखते हैं इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका। तो इस ट्रीटमेंट के लिए गाइस हमें कुछ भी बाहर से लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने किचन में और वहाँ से निकालनी है हरी वाली मूंग दाल, जो छिलके वाली हरी मूंग दाल होती है वो आपको ले लेनी है। कितनी लेनी है, तकरीबन एक मुट्ठी आप डिब्बे से निकालोगी हरी मूंग दाल और उसको अच्छे से आप साफ़ सुथरा कर लीजिए और उसको ग्राइंडर में पीसकर फाइन पाउडर बना लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मूंग दाल को पीसकर बहुत ही फाइन पाउडर बनाकर पहले से ही रख लिया था, ठीक है। अक्सर मैं इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये मूंग दाल पाउडर हम इस ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके कलर को फेयर करती है, बहुत ज़्यादा कलर ब्राइट होता है इससे। और इसके अलावा चेहरे का रंग साफ करने के साथ ही साथ ये माइल्ड स्क्रब का भी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाउल ले लें आप और उसमें हम 3 टीस्पून डालेंगे हरी मूंग दाल पाउडर। यू नो कि हम इसको 4-5 दिन का बना के रख लेंगे ताकि हमें बार बार जो है बनाने की झंझट ना रहे, ठीक है। अब सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं गाइस वो है ग्राम फ्लोर यानी बेसन, जिससे आपकी स्किन की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। चेहरे पे दाग धब्बे हैं, रंग को निखारने के साथ ही साथ ये दाग धब्बों को भी दूर करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 टीस्पून इसमें ऐड करना है बेसन का। अब थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारे किचन के अंदर मौजूद है और जिसका हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, वो है रोटी बनाने वाला गेहूँ का आटा। जी हाँ, जो गेहूँ का आटा होता है गाइस वो हमारे कलर को ब्राइटन करता है, स्किन को सॉफ्ट और सफल बनाता है, साथ ही साथ स्किन को ये प्लम्प करने का काम करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 टीस्पून आप इसमें ऐड करोगी गेहूं का आटा यानी व्हीट फ्लोर। अब यहाँ पे फोर्थ इंग्रेडिएंट जो हम ऐड करने वाले हैं वो भी हमारे किचन में ही मिलने वाला है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें ग्रीन टी का 1 सैशे। ग्रीन टी क्या काम करेगी, ग्रीन टी आपके पोर्स को श्रिंक करती है, साथ ही साथ एंटी एजिंग का भी काम करती है और ये हमारी स्किन को टाइट और फर्म करने के साथ साथ स्किन ब्राइटन का भी काम करती है, ठीक है। तो 1 सैशे आपको निकाल कर ले लेना है ग्रीन टी का और उसको भी हम इसी में ऐड कर देने वाले हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करेंगे गाइज वो बहुत ज़्यादा मैजिक है और हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन जो है कूल एंड काम रहती है, ठीक है। यानी अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का इरिटेशन है तो वो खत्म होता है, सनबर्न की शिकायत है वो खत्म होती है, साथ ही साथ स्किन को लाइटन करता है, पिंकिश ग्लो लेकर आता है, बहुत खूबसूरत निखार के साथ ही साथ ये हमारी स्किन को यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करता है और चेहरे की रंगत इसके इस्तेमाल से हमारी निखर उठती है। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पे हमें चाहिए रोज पीटल पाउडर, ठीक है। यहाँ पे जो मैं रोज पीटल पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इन सारी चीज़ों में एक और चीज़ हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे जो हमारे स्किन को ब्राइटन करेगी, लाइटन करेगी और अगर आपको कील मुहासों की शिकायत है तो वो भी ख़त्म करेगी, दाग धब्बों को ख़त्म करेगी और स्किन के रंग को निखारने के लिए ये सदियों से इस्तेमाल की जाती रही है। तो यहाँ पे आपको 1/2 चम्मच यानी 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करना है वाइल्ड टर्मरिक। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो आप इसमें किचन हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें अब हमने एक बाउल में कलेक्ट कर ली है गाइस और इन सारी चीज़ों को अब आपको मिक्स कर लेना है। एक बैच हमारा बन गया है तकरीबन, जो कि चल जाएगा 4 से 5 दिन, ठीक है। बार बार आपको बनाने की झंझट नहीं रहेगी। ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना है, मिक्सिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें एकसार हो जाएँ और आपस में ये जो है ना
मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है गाइस। अब ये जब ट्रीटमेंट आपको लेना है तो आपको क्या करना है कि उतना ये पाउडर आप निकाल लोगी जितना कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, चेहरे के ऊपर, नेक के ऊपर लग जाए। पूरी बॉडी के ऊपर लगाना है, सिर्फ चेहरे पे नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 teaspoon तकरीबन इसे ले लिया है गाइस। अब आपको यहाँ पे मैं ऑप्शन दिए दे रही हूँ कि किस तरह से इसको तैयार करना है। या तो आप रॉ मिल्क यानी ठंडे दूध के साथ इसको इस्तेमाल कर सकती हो, या फिर आप इसमें दही का इस्तेमाल कर सकती हो जो कि खट्टा होना चाहिए, या फिर आप इसमें छाछ का इस्तेमाल कर सकती हो। ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, विटामिन सी और लैक्टिक एसिड से भरपूर होती है और ये हमारी स्किन को निखारती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हो। तो 2 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे इसमें दही ऐड कर दिया है गाइस, और इसके बाद एक और हम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारी स्किन इससे ड्राई ना हो और स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाए और चेहरे के ऊपर शाइन भी आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर देना है जो कि हमारी स्किन को शाइन भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और स्किन के ऊपर एक मॉइस्चर लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो 1 चम्मच आपने नारियल तेल इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए आप इसमें यूज कर सकते हो पानी का, ठीक है। तो पानी यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए आपको एक ऐसा पेस्ट बना लेना है जो कि ना ज्यादा थिक हो और ना ज्यादा पतला हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेस्ट हमारा बनकर तैयार है गाइस, और इसको जब आप अपनी स्किन के ऊपर लगाओगे ना तो बहुत खूबसूरत सी स्मेल आएगी, बहुत अच्छी सी स्मेल के साथ ही साथ आपको लगेगा कि आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा मैजिकल काम करने वाला है। एक फील आने लगेगा अंदर से आपको कि ये बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब चलिए जल्दी से फटाफट से देखते हैं कि इसको आपको किस तरह से लगाना है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन करोगी, फेस के ऊपर कोई मेकअप नहीं होना चाहिए जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ। उसके बाद ये आपको लेकर अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है, नेक के ऊपर लगाना, हैंड्स के ऊपर लगाना, पैरों के ऊपर लगाना, पूरी बॉडी के ऊपर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को आप अपनी पूरे स्किन पे, पूरे शरीर के ऊपर अच्छे से लगा दीजिए और तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट देना होगा गाइस, ताकि ये हमारी स्किन के ऊपर अच्छा सा वर्क कर सके, ठीक है। तो 20-25 मिनट के बाद आप देखोगी कि ये आपका इस तरह से ड्राई हो गया है। अब आपको एकदम से इसको हटाना नहीं है, हल्का सा आप गीला करोगी, सर्कुलर मोशन में मसाज करोगी और रगड़ते हुए इसको उतारना है, जिस तरह से हम उपटन उतारते हैं, ठीक है, उसी तरह से आपको इसको उतारना है। और उसके बाद आपको अपनी स्किन को वॉश कर लेना है, ठीक है। वॉश कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसके मैजिकल रिजल्ट फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको नजर आएंगे गाइस। स्किन इतना हाइड्रेट हो जाएगी, इतना ज्यादा चमक उठेगी कि आप सोचोगे कि ये तो बहुत ही प्यारा ट्रीटमेंट हमें घर पे मिल गया, जिसमें इतना सारा पैसा भी बच गया। और यकीन मानिए इतना मैजिकल रिजल्ट आपका इसका मिलने वाला है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटन, बहुत ज्यादा लाइटन और स्किन टाइट भी करेगा, एंटी एजिंग का भी ये काम करेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना आप कतई ना भूलें। तो पार्लर जाकर महंगे ट्रीटमेंट से बेहतर रिजल्ट देने वाला ये फेस्टिव स्पेशल ग्लो ट्रीटमेंट आप आज से ही कीजिए। करवा चौथ तक इसको आपको ट्राई करना है, लगाना है, आपकी स्किन निखर उठेगी, बेदाग हो जाएगी और चेहरे से जितने भी मैल है, डर्ट है, कालापन है, जिद्दी से जिद्दी आपके चेहरे पे टैन है तो वो भी खत्म हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटन हो जाएगी और करवा चौथ तक आप चांद जैसा निखर उठेंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। आज से लेकर करवा चौथ तक आपको इसी को लगाना है गाइज, और यकीन मानिए वो पार्लर वाला महंगा ट्रीटमेंट जो आप सोच रही थी कराने का, आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा और आपको ऐसी स्किन मिल जाएगी, एक निखरी हुई स्किन जिसकी आप चाहत रखती हैं। और करवा चौथ पर जब आप मेकअप करोगी, जब आप अपने हाथ पैरों को देखोगी तो बहुत प्यारे से निखरे हुए हाथ पैर से लेकर पूरी स्किन की रंगत आपको बेदाग नजर आएगी, ठीक है। तो करवा चौथ तक आप इसको अप्लाई कीजिए। अगर आपकी एज 20+ हो चुकी है तो इसे आप यूज कर सकते हैं, होने वाली ब्राइड है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं स्किन ब्राइटनिंग उपटन भी शेयर करूंगी जिसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आगे भी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। छोटी सी हेल्प चाहती हूँ आप सभी से कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के लिंक को आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, जहां पे भी आप व्हाट्सएप पे या फिर जहां पे भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं वहां पे शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना खूब सारा अच्छे से ख्याल रखिए, ढेर सारा इंजॉय कीजिए, खूब खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।